हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर टू में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए, जो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का जो हमारा चैप्टर है, इसके पहले हमने कई सारी वीडियो प्रोवाइड करा दी है। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आइए सीधे वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यदि बात करते हैं द्विनिषेचन की यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन, यह आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यदि द्विनिषेचन की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी खोज देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी खोज जो है लिलियम एवं फ्रिटिलेरिया नामक पौधे में की गई थी, और किसने की थी तो एससी नवास्टिन द्वारा। नवास्टिन नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले लिलियम और फ्रिटिलेरिया नामक पौधों में सन 1898 में इसकी खोज की थी। सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन की खोज जो है नवास्टिन नामक साइंटिस्ट ने की थी, किस पौधे में? लिलियम और फ्रिटिलेरिया नामक पौधों में। देखिए, बेसिकली यदि हम बात करें, यह आवृत्त बीजों का विशिष्ट लक्षण होता है तथा यह क्रिया भ्रूण कोष के अंदर होती है। देखिए, यदि हम बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की यानी कि द्विनिषेचन की, तो यह आवृत्त बीजी पौधों में ही पाई जाती है, और यह क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? भ्रूण कोष यानी कि एम्ब्रियो सैक के अंदर संपन्न होने वाली प्रक्रिया होती है। देखिए, यदि हम बात करते हैं आवृत्त बीजियों की, तो आवृत्त बीजियों में देखिए निषेचन के समय क्या होता है कि दो में से एक नर युग्मक जो है अंड से संयोजित हो जाता है। देखिए क्या होता है, आवृत्त बीजी जो भी पौधे होते हैं उनमें दो केंद्रक बनते हैं। हमने आपको जब नर युग्मकोद्भिद का विकास पढ़ाया है यानी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल मेल गैमेटोफाइट्स, यानी जब हमने नर युग्मकोद्भिद के विकास आपको समझाया तो उसमें हमने क्या बताया था कि अंतिम में दो जनन केंद्रक बनते हैं, जिसमें से एक केंद्रक क्या करता है अंड कोशिका से संयोजित कर लेता है और क्या बना लेता है, युग्मनज यानी कि जायगोट बना लेता है। देखिए, ग्रिगनार्ड के अनुसार दोनों नरयुग्मक में से एक नरयुग्मक जो है अंड कोशिका से संयोजन करता है और यह क्रिया सत्य निषेचन कहलाती है। देखिए, हमने आपको क्या बताया कि जो नरयुग्मकोद्भिद का विकास है उसमें दो जनन केंद्रक बनते हैं अंतिम में, और दोनों जनन केंद्रक में से एक जनन केंद्रक भ्रूण कोष के अंदर जब आता है और भ्रूण कोष के अंदर जो अंड कोशिका होती है अंड कोशिका से संयोजित करता है, यही क्रिया क्या कहलाती है, सत्य निषेचन यानी कि ट्रू फर्टिलाइजेशन कहलाती है। क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से नर व मादा युग्मक आपस में मिलते हैं और जायगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, जो दूसरा नर युग्मक है, एक नर युग्मक जो है वो तो क्या करता है अंड कोशिका से संयोजित कर लेता है, लेकिन जो बचा हुआ दूसरा नर युग्मक है वो भ्रूण कोष में उपस्थित जो द्वितीयक केंद्रक होता है उसके साथ मिलता है और एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करते हैं, और यह क्रिया क्या कहलाती है, त्रिक संलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है। यह पेपर में कई बार पूछा जाता है। देखिए, पेपर में आपको यह याद रखना है कि त्रिक संलयन क्या होता है, तो त्रिक संलयन आपको पता होना चाहिए कि जो दूसरा नर युग्मक होता है जब द्वितीयक केंद्रक के साथ संयोग करता है तो उससे एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, त्रिसंलयन कहलाती है यानी कि ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है। तो यहां पे आप देख भी सकते हैं कि इस प्रकार जो है आवृत्त बीजियों का यह विचित्र व्यवहार ही क्या कहलाता है, द्विनिषेचन कहलाता है, क्योंकि ओवरऑल निषेचन जो है दो बार होता है, एक बार तो पहला नर युग्मक जो है अंड कोशिका से मिलता है जिसको हम निषेचन कहते हैं, और दूसरा जब निषेचन होता है उसमें क्या होता है, त्रिसंलयन होता है जिसमें कि आपस में एक द्वितीयक केंद्रक यानी कि जो क्या होता है, द्वितीयक केंद्रक जो है डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है, और वह दूसरे नर युग्मक के साथ जो कि हैप्लॉइड होता है उससे संयोग करता है और एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि जो पहला नर युग्मक है, पहला नर युग्मक किससे संयोग करता है, अंड कोशिका से संयोग करता है, तो अंड कोशिका से संयोग करेगा तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मक संलयन कहलाती है, या इसको हम सिनगैमी के नाम से भी जानते हैं, और इसी को हम सत्य निषेचन या ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो जब पहला नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है तो यह युग्मनज या जायगोट का निर्माण करता है जो कि द्विगुणित होता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, सिनगैमी या युग्मक संलयन या निषेचन या सत्य निषेचन कहलाती है।
अब देखिए जो दूसरा नरयुग्मक होता है जो कि क्या होता है, ये भी हेप्लॉइड होता है, और जो द्वितीयक केंद्रक होता है, तो दूसरा नरयुग्मक यहाँ पे अब क्रिया करेगा किससे, द्वितीयक केंद्रक से। द्वितीयक केंद्रक पहले से ही द्विगुणित होता है, यानी कि डिप्लॉइड होता है। तो जब ये द्विगुणित और ये अगुणित, मतलब ये आपस में जब मिलेंगे तो एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करेंगे। तो दूसरा नरयुग्मक जब द्वितीयक केंद्रक से मिलता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, त्रिक संलयन, यानी कि ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है। और इसके परिणाम स्वरूप एक प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, इसको हम शॉर्टकट में PEN भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो एक संरचना का निर्माण होता है त्रिगुणित, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। अब देखिए क्या होता है, यदि हम बात करते हैं युग्मनज की, तो देखिए जब पहला नरयुग्मक जब मिलता है अंड कोशिका से, तो युग्मनज या जाइगोट बनाता है। जाइगोट आगे चल के किस में बदल जाता है, भ्रूण में, यानी कि एम्ब्रियो में बदल जाता है। वहीं ये जो त्रिक संलयन के परिणाम स्वरूप ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना है, यह भ्रूणपोष केंद्रक जो है क्या करता है, भ्रूणपोष ऊतकों का निर्माण करते हैं, जो कि एंडोस्पर्म कहलाते हैं। और बेसिकली यह एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष क्या करते हैं, भ्रूण को क्या करते हैं, पोषण देने का कार्य करते हैं। तो आपको यह चीज समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले तो क्या होता है कि जो पहला नरयुग्मक होता है वो किससे संयोग करता है, अंड कोशिका से संयोग करता है और जाइगोट का निर्माण करता है। और वहीं दूसरा नरयुग्मक जो है द्वितीयक केंद्रक से संयोग करता है और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करते हैं। अब युग्मनज आगे चल के भ्रूण में बदल जाता है और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है भ्रूणपोष ऊतक में बदल जाते हैं, और ये भ्रूणपोष ऊतक जो है विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण देने का कार्य करते हैं। अब देखिए यहां पे आपको एक चीज संरचना दिखाई दे रही है जो कि द्विनिषेचन के पहले परागकण की संरचना है। देखिए द्विनिषेचन के पहले परागकण की यदि हम संरचना देखें तो पराग नलिका के अंदर आपको तीन केंद्रक ओवरऑल दिखाई देते हैं, आपको एक कायिक अथवा नलिका केंद्रक होता है और दो जनन केंद्रक। देखिए जैसे ही ये पराग कण के अंदर के जो नर युग्मक होते हैं, बेसिकली ये जो नर केंद्रक होते हैं, इसमें से जो कायिक केंद्रक होता है, कायिक केंद्रक जैसे ही भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है पराग नलिका, कायिक केंद्रक नष्ट हो जाते हैं और बचते हैं यहां पे जो दो जनन केंद्रक हैं, यानी जो नर केंद्रक हैं, यानी हम कह सकते हैं यहां पे दो नर युग्मक हैं, तो ये दोनों नर युग्मक ही केवल बचते हैं। अब जब इन दोनों नर युग्मक में से एक नरयुग्मक क्या करता है, भ्रूण कोश में प्रवेश करता है और अंड कोशिका से क्रिया करता है और क्या बनाता है, जाइगोट का निर्माण करता है। वहीं ये जो दूसरा वाला नरयुग्मक है, ये द्वितीयक केंद्रक से संयोग करेगा और फिर एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करते हैं। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि द्विनिषेचन से पहले जो भ्रूण कोश यानी कि एम्ब्रियो सैक की संरचना होती है वो किस प्रकार होती है, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जब द्विनिषेचन हो जाता है उसके बाद भ्रूण कोश की संरचना में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं। तो देखिए द्विनिषेचन के पहले यदि हम भ्रूण कोश की बात करें तो द्विनिषेचन के पहले भ्रूण कोश में क्या होता है, भ्रूण कोश जो है एक परिपक्व होता है, यानी इसमें स्पष्ट रूप से आपको सात कोशिका और आठ केंद्रक देखने को मिलते हैं। ऊपर की तीनों कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती है, एंटीपोडल सेल जिसको हम कहते हैं, बीच वाली ये जो सेल होती है इसको हम सेंट्रल सेल यानी कि केंद्रीय कोशिका कहते हैं, और इसके अलावा ये जो बड़ी सेल होती है इसको हम अंड कोशिका यानी कि एक सेल कहते हैं, और इनको हम सिनर्गेट, दोनों अंड कोशिका के दोनों बगल की जो सेल है उसको हम क्या कहते हैं, सहायक कोशिका या सहायक कोशिका या सिनर्गेट सेल कहते हैं। अब देखिए इनमें टोटल आठ केंद्रक होते हैं, तो यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब द्विनिषेचन हो जाता है, द्विनिषेचन के बाद देखिए जब निषेचन होगा तो यहां पे क्या होगा कि जब नरयुग्मक आएगा, पहला नरयुग्मक जब इस इधर से आएगा पराग नलिका से, तो ये अंड कोशिका से संयोग करेगा और जाइगोट बना लेगा। वहीं जब दूसरा नर केंद्रक आएगा तो वो द्वितीयक केंद्रक से यानी इन दोनों केंद्रकों से संयोग करेगा और यह एक ट्रिप्लॉइड यानी कि त्रिगुणित संरचना का निर्माण करेंगे। अब देखिए जब द्विनिषेचन हो जाएगा उसके परिणाम स्वरूप क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो देखिए डिजेनरेटेड सिनर्गेट सेल यानी दोनों सहायक कोशिका भी धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। ऊपर की जो तीनों एंटीपोडल कोशिकाएं होती है वो भी नष्ट हो जाती हैं, और निषेचन के परिणाम स्वरूप देखिए क्या होता है, ये जो अंड कोशिका थी ये पहले नरयुग्मक से संयोग करके जाइगोट बना लेती है जो कि द्विगुणित होता है। वहीं बीच में जो द्वितीयक केंद्रक था वो दूसरे नरयुग्मक से संयोग करके क्या बना लेता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेता है, और ये जो सेंट्रल सेल होती है ये किस में चेंज हो जाती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में ये परिवर्तित हो जाती है। तो इतने सारे चेंजेस हो जाते हैं निषेचन के बाद, क्या क्या हो जाता है, एंटीपोडल सेल नष्ट हो जाती है, इसके
इसके अलावा सीनर गेट सेल यानी कि सहायक कोशिकाएं भी धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, और बीच में क्या होता है, जो अंड कोशिका थी वो पहले नर युग्मक के साथ संयोग करके जायगोट बना लेती है, वहीं जो बीच में द्वितीयक केंद्रक थे वो दूसरे नर युग्मक के साथ मिलकर के प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेते हैं यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना लेते हैं, और ये जो सेंट्रल सेल थी ये किसमें बदल जाती है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में बदल जाती है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या देखना है कि ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है और ये क्वेश्चन नेट में भी पूछा जा चुका है कि देखिए द्विनिषेचन में टोटल कितने केंद्रक भाग लेते हैं, तो आपको बताना है कि द्विनिषेचन में टोटल और टोटल कितने केंद्रक भाग लेते हैं, 5 केंद्रक भाग लेते हैं, जिसमें से निषेचन में 2 केंद्रक भाग लेते हैं और त्रिक संलयन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं, 3, तो टोटल केंद्रक कितने हो गए, 5, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हो गए 5। तो देखिए न्यूक्लियस में आपको यह देखना है कि जब निषेचन होता है तो निषेचन में एक ही नर युग्मक मिलता है किससे, अंड कोशिका से, तो अंड कोशिका में एक ही केंद्रक है तो 2 केंद्रक हो गए, और जब द्वितीयक केंद्रक से मिलता है दूसरा नर युग्मक तो द्वितीयक केंद्रक के अंदर 2 केंद्रक होते हैं और दूसरा नर युग्मक का 1 केंद्रक, तो कुल मिलाकर के आपस में 3 केंद्रक मिलते हैं, तो त्रिक संलयन कहलाती है। इस प्रकार से टोटल द्विनिषेचन में यदि हम बात करें तो 5 केंद्रक भाग लेते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पे कि डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पे हम द्विनिषेचन के कुछ महत्व देखते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है द्विनिषेचन के। तो देखिए द्विनिषेचन के महत्व में यदि हम बात करते हैं तो देखिए पहला महत्व तो क्या है कि यह क्रिया जो है जीवन क्षम बीजों के बनने के लिए आवश्यक है, यानी ऐसे बीज जो कि जीवन क्षम हो उनके बनने में सहायक होते हैं। यह किसी पौधों में द्विनिषेचन में से कोई एक निषेचन असफल हो जाए तो जीवन क्षम बीज नहीं बन पाते। देखिए यदि द्विनिषेचन में से यदि कोई एक भी प्रक्रिया प्रभावित होती है, चाहे वो त्रिक संलयन हो या निषेचन हो, यदि वो क्रिया अच्छे से नहीं हो पाती है तो इस प्रकार से जीवन क्षम जो बीज हैं वो नहीं बन पाते हैं। देखिए दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि इस क्रिया द्वारा क्या होता है, इस क्रिया द्वारा जो बनने वाला भ्रूण पोष होता है वो विकसित होते हुए भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, जिससे कि भ्रूण का उचित विकास होता है तथा स्वास्थ्य एवं अच्छे बीजों का निर्माण होता है। तो ये यहां पे आपको देखना है कि 2 इंपॉर्टेंस है डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि द्विनिषेचन के, इसको भी आपको तैयार करना है। कभी कभी 2 नंबर में द्विनिषेचन का महत्व भी पूछ लिया जाता है। तो यहां पर दोस्तों उम्मीद करता हूं कि डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि द्विनिषेचन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।